जी तो वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल अनम फूड एंड ब्यूटी सीक्रेट में आप सबको खुश आमदीद। आई होप आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ बहुत ही गिने चुने इंग्रेडिएंट्स के साथ वाइट सॉस और चिली फ्लेक्स वाला पास्ता। उसके लिए सबसे पहले पैन में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया था। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे बटर अच्छा नहीं लगता। एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और सॉरी प्याज लिया है। प्याज को आपने सॉटे करना है। बिल्कुल भी इसको आपने ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉटे करना है। 3 टेबल स्पून ऑयल में एक बड़े साइज का प्याज जो है। तो बस प्याज को सॉटे करने के बाद इसमें मैं ये देखें मैंने 3 गार्लिक की जो कलियाँ थी वो ली मैंने और उसका से चॉप करके वो डाला है। सिर्फ 3 कलियाँ उसकी लीजिएगा। ये देखा और इस तरह आपने बड़े वाला जो देख तो देसी होता है ना, दूसरा लहसुन जो है 3 कलियाँ आपने उसकी लेनी है, उसकी जो कलियाँ होती हैं और उसको भी आपने सॉटे कर लेना है। जब आपका टमाटर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और गार्लिक भी कलर चेंज कर ले, उसमें 1 टीस्पून आपने सॉल्ट ऐड करना है। 1 टीस्पून छोटा वाला चिली फ्लेक्स ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करना है आपने। इसके साथ मैंने यहाँ पे मिल्क में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लिया था, मैंने उसको मिक्स करके रखा है पहले से ही। अब मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी। इसमें ऐड करने के बाद आपने इसको हिला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लें। और जब ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाए तो इसमें हम लोग अपना पास्ता जो है वो डाल देंगे। तो ये देखें ये काफ़ी थिक हो गया है। इसके बाद जो मैंने पास्ता लिया हुआ था मैं उसके ऊपर ये डाल दूँगी जल्दी से। इस लेवल पे आके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें नीचे जो मैंने मिल्क का और कॉर्नफ्लोर का, कुछ लोग मैदा डालते हैं, मैंने मैदा यूज़ नहीं किया, मैंने दूध में कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। और इस तरह इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें अभी मैं इसमें क्या करूँगी, सोया सॉस ऐड करूँगी इसका टेस्ट रिच करने के लिए। इसमें मैं ऐड करूँगी ऑरिगेनो। ऑरिगेनो के बाद आपने क्या करना है, जितना हो सके आपको जितना पसंद है उतना आपने टमाटो केचप जो है वो डाल देना है। तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून डाला है। 2 टेबल स्पून डालने के बाद हॉट सॉस यूज़ करेंगे, आप किसी भी ब्रांड का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून। अभी इसको भी हम लोग हिला देंगे। तो ये देखें ये सब हो जाने के बाद आपने इसमें क्या ऐड करना है जी, चीज़, कोई सी भी चीज़ जो आपको अच्छी लगे। बस अच्छे से इसके ऊपर आपने डाल देनी है। मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाटर चीज़, चीज़ के स्लाइस, जो आपको पसंद हो। और इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा टाइम के लिए स्टीम पे पकाएंगे। और इसके बाद मैं लास्ट में फिर से इसके ऊपर थोड़े से ऑरिगेनो इस तरह करके डाल दूँगी। सो अगेन आई विल ऐड लिटिल बिट चिली फ्लेक्स, इसको आपने स्प्रिंकल करना है। और अभी हम लोग इसको ढक देंगे थोड़ा टाइम के लिए। तो ये देखें ये अभी ढक्कन में ही है, स्टीम में ही है ये सारा ऐसा, लेकिन इसका लुक आप चेक करें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये इतना ही यम और जूसी बनता है। तो ये देखें चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और फ्लेम मैंने बंद कर दी है। और अभी इसको उठा के देखते हैं, ये देखें इतना प्यारा इसका लुक आया है ना। और मैं आपको इसको दिखाती हूँ, अभी ये देखें
आपने इस तरह इसको लेना है, ये देखें और चेक करें, एकदम जूसी, रिच, एकदम चीज़ के साथ लथपथ। और ये देखें, आप चेक करें इसका लुक। और ये सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिसको कुछ पास्ते के अलग पे भी नहीं पता हो, ये वो भी बना सकता है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।